సన్రిచ్ హాస్పిటల్స్ జంట నగరాల్లో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆధునిక వసతులు 24 గంటల ఎమర్జెన్సీ వైద్య సదుపాయం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రజలందరికీ అందుబాటులో అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే అతి తక్కువ ధరల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు సన్రిచ్ హాస్పిటల్ మోతీనగర్ హైదరాబాద్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ కాంటాక్ట్ 9652766690 9652766695शहर हैदराबाद में पुराने शहर के इलाके में खुली खुतुबता स्टेडियम में दिसंबर 4 और 5 तारीख को राबता फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप और हर बीमारी का इलाज करने के लिए यहां पर एक कैंप डाला गया है, जिसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से हल्के चार मीनार और हल्के याकूतपुरे के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और मुमताज़ अहमद खान ने शिरकत की है। बाद अज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया है कि इंसानियत के नाम पे एक सबूत देते हुए राबता फाउंडेशन जो हैदराबाद के शहर दोनों शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में ख़ास करके पुराने शहर में जो आज यहाँ पर कई बड़े पैमाने पे हर किस्म के डॉक्टर करीब 25 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स और कई दवाखानों वालों ने इस प्रोग्राम में इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिसंबर की 4 और 5 तारीख को मुफ्त इलाज किया गया है। इस कैंप में बड़े बड़े मशहूर और मारूफ शहर हैदराबाद के डॉक्टर्स ने शिरकत की है। बहरहाल कोई भी बीमारी का कोई भी शिकार हो तो इस प्रोग्राम में आकर इस इवेंट में आकर अपना ज़ेर इलाज मुफ्त में कराया जा सकता है। राबता फाउंडेशन गुलिस्ता चंद दिन पहले भी ऐसे प्रोग्राम शहर हैदराबाद में किए गए थे। राबता फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरमैन सोफिया जुवेरिया ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। गुलिस्ता चंद दिन पहले भी ये प्रोग्राम करते हुए गरीब मासूम मजबूर आवाम और मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी साथ दी है। गुलिस्ता साल कोविड के वबा के वक्त भी इस राबता फाउंडेशन की जानिब से आवाम को काफ़ी खिदमत मिली थी। बहरहाल कोविड का मरीज़ हो या फिर दूसरे कोई दीगर बीमारी का भी मरीज़ हो, 4 और 5 दिसंबर को खुली खुतुबता स्टेडियम चार मीनार के बिल्कुल करीब झांसी बाजार के पास खुली खुतुबता स्टेडियम में बहुत बड़ा एक्सपो यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप किया जा रहा है राबता फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें सवों की तादाद में लोगों ने शिरकत करते हुए अपना इलाज मुफ्त में करा जा रहा है। इस प्रोग्राम में राबता फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन सोफिया जुवेरिया के साथ साथ हल्के याकूतपुरा के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी और चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान और हैदराबाद के जाने माने मशहूर डॉक्टर्स ने शिरकत की है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सईद खादरी की खास रिपोर्ट। आज 4 और 5 तारीख को दो रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है और इसका एहतमाम राबता फाउंडेशन की तरफ से किया गया है और लोग काफ़ी तादाद में इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं और ये फ्री खिदमत यहाँ के डॉक्टर्स की है। फिर तकरीबन 20-22 दवाखाने के डॉक्टर्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसको किया गया और इसमें उन लोगों को भी हौसला अफजाई के लिए जो कोविड में काम किए हैं आवाम के दरमियान रह के अपनी जान को जोखिम में डाल के उनको भी तहनीत पेश की गई और ये राबता फाउंडेशन की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। राबता फाउंडेशन एक इंसानियत की बुनियाद पर शहर हैदराबाद में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जो लोगों को बीमारियों में मुब्तला होते हैं उनके फ्री मेडिकल ये राबता फाउंडेशन के ये खिदमत में से हैं। आज यहाँ पे तमाम हमारे इस एरिया के MLA मुमताज़ अहमद खान साहब और जमात इस्लामी के अज़हरुद्दीन साहब हैं और यहाँ के मैडम जो ऑर्गेनाइज करें जोहरिया मुनीर साहबा और गजम्फर साहब गौस साहब फारूक साहब जो इस तमाम प्रोग्राम के रूह रवा हैं उनकी सरपरस्ती में ये तमाम इंतमाम किए गए और काफ़ी तादाद में यहाँ के डॉक्टर्स भी हिस्सा लिए हैं। मेरा कामयाब प्रोग्राम है, मैं आपके चैनल के जरिए आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि खुली खुतुबता स्टेडियम में 4 और 5 तारीख को 2 दिन 10 बजे से शाम के 8 बजे तक ये कैंप रहेगा, इससे इस्तेफादा कीजिए और कुछ मशवरे हैं तो यहाँ पर हासिल कर सकते हैं आप। बेहतरीन खिदमत के जरिए लोग आवाम को इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। फाउंडेशन के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया। 4 दिसंबर राबता हेल्थ एक्सपो का इनॉग्रल किया गया है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं और कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ये लोग सर्विसेज फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
आवाम के लिए, जिसमें मुस्लिम मैटरनिटी हमारे साथ जुड़ा है, एंजल्स इनफर्टिलिटी जुड़ा है, फेम सिटी हॉस्पिटल है, TX हॉस्पिटल है, लोटस हॉस्पिटल है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और कुछ चंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और जिसमें एक यूनानी कंपनी जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है कोविड के दौर से, बायोग्रीन रेमेडीज जो मेडिसिन मैनुफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। तो मेरी आवाम से खुसूसन गुजारिश है, 4 और 5 के दिन, मतलब कि आज और कल, जो ये हेल्थ प्रोग्राम रखा गया है जिसमें फ्री कंसल्टेशन है, कुछ हद तक फ्री दवाइयां है, कुछ हद तक फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप एक ही छत के अंदर जो है इतने सारे हॉस्पिटल्स और इतने सारे डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ आपको मुहैया है, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करें। 10 बजे से 8 बजे तक 4 और 5 के दिन कौन से मरीज, हर किस्म का मरीज़ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर करीब 15 से 16 डिपार्टमेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें पीडियाट्रिक्स है, गायनेकोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है। स्पेशली ऑन्कोलॉजी के जो है कैंप्स इस तरह नहीं होते हैं आवाम के दरमियान, तो ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली वुमेन्स कैंसर के लिए जो ये लोग काम कर रहे हैं, खुसूसन ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कई सारे अमराज होते हैं जो हमको पता नहीं होते। जब तक हम डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं लेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा। तो ख़ास करके बच्चे और औरतें ये कैंप से बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, और जो है कल इंशाल्लाह 4 बजे से 5 बजे के दरमियान जो है डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 300 से 400 डॉक्टर्स जो है हैदराबाद और तेलंगाना के बहुत सारे लोकेशन से जो है डॉक्टर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं, साइंटिस्ट भी है, रिसर्च एंड डेवलपर्स भी है, जो कि COVID-19 थर्ड वेव के बारे में बात करेंगे, ओमिक्रॉन के बारे में बात करेंगे, और ड्रग एडिक्शन अमोंग यूथ जो कि अभी नेशनल लेवल पे इसका जो है सेंसेशन चला हुआ है, बच्चों को जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा तादाद में इस ओवरऑल हेल्थ कैंप का जो है आप इस्तेफादा हासिल करें।